किसान भाइयों, जब भी हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में सबसे मेन चीज़ होती है मिल्किंग की। आज के इस वीडियो में हम किसान भाई से बात करने वाले हैं कि वो डेयरी फार्मिंग में किस तरीके से मिल्किंग करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम उनसे ये भी जानकारी लेंगे कि जो मिल्किंग मशीन होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम प्रदीप पाटीदार है, मैं गांव बरखड़ा देडूंगी से हूँ जी। तहसील मल्हारगढ़ लगता है जी, जिला मंदसौर जी। तो अभी आप जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ये कितने टाइम से कर रहे हैं, आपके पास कितनी गाय हैं, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। मैंने डेयरी फार्म 2021 से चालू किया था जी, धीरे धीरे एक दो गाय से चालू किया था और लगभग मेरे को 3 साल हो गए इसको करते करते। अच्छा, तो अभी आपकी कितनी गाय मिल्किंग में है? अभी 9 गाय मिली। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ देखते हैं कि हम नॉर्मली जब 1 या 2 फिर 3 गायें जब तक मिल्किंग में होती है तो उनके हाथ से मिल्किंग हो जाती है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे मिल्किंग करते हैं तो उसमें हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है, हाथ से मिल्किंग हम नहीं कर सकते जी। जी, तो अभी आपके पास जो मिल्किंग मशीन है जी, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में आप हमें बताइए कि कौन सी कंपनी की मिल्किंग मशीन है उसके बारे में। देखो, मेरे पास जब 2 या 3 पशु थे तब मैं हाथ से मिल्किंग करता था तो परेशानी भी आती थी, 3 गाय में भी परेशानी आती थी। जब मैंने ऑनलाइन देखा मशीन के बारे में तो मैंने मिल्किंग मशीन के बारे में कुछ उसका वीडियो मिला जी, फिर वहाँ से मैंने नंबर परचेस करके मशीन मंगवाई। अच्छा। मशीन मंगवाने के बाद धीरे धीरे मैंने गाय भी बढ़ाई, पर जब उसके बाद मशीन से मेरी मिल्किंग हुई उसमें मेरे को एक तो लेबर की बहुत ज़्यादा किफायती फायदा मिला, कम समय में मिल्किंग हो जाती है, गायों को राहत मिलती है, इससे बहुत बढ़िया मतलब अच्छा रहता है। ओके, तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि लेबर के बारे में कि भाई लेबर की हमें बचत होती है, तो जैसे एक तो हम हाथ से मिल्किंग करते हैं और एक मिल्किंग मशीन से अगर हम मिल्किंग करते हैं तो टाइम की और लेबर में हमें कितना डिफरेंस आता है? अगर 9 गाय की अगर मिल्किंग हाथ से करते हैं तो कम से कम हमको 1.5 घंटा लगेगा। ओके, क्योंकि उसमें एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, मशीन में भी स्टेप बाय स्टेप चलता है, बाकी ये 1 मिनट में 3 से 4 लीटर दूध निकाल देती है। ओके, तो क्या स्टेप बाय स्टेप मशीन में अपने को 45 से 50 मिनट में सारी गायों का मिल्किंग हो जाता अच्छा, है। अच्छा, तो लगभग एक नॉर्मल तरीके से देखें तो लगभग आधे टाइम की बचत हो जाती है। हाँ, ठीक है जी। तो लेबर की भी इतनी ही हमें बचत तो इसमें हो जाती है जी। लेबर का तो हम 2 मिलके ही करते हैं पूरा। ओके, लेबर लगती नहीं हमारे। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बताया ये तो बात हुई हमारी जी। फिर अब हम मिल्किंग मशीन के बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये जो मिल्किंग मशीन है जी, ये आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में? मैं इसको 2022 से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे आपको कैसा इसका रिजल्ट अभी तक लगा? बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका और बहुत शानदार क्वालिटी में आती है। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि काफ़ी हम किसान हैं वो हम उनसे अगर मिल्किंग मशीन के बारे में बात करें कि भाई आप मिल्किंग मशीन को यूज़ कीजिए, तो किसानों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं किसानों के दिमाग में कि भाई मिल्किंग मशीन हम यूज़ करते हैं तो हमारी गायों के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी लंबे टाइम में, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने नॉर्मली फेस की है किसानों के सामने। तो आपको क्या लगता है कि मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करना सही है या फिर आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते? देखो, मेरे पास तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं 2 या 3 साल से लगभग मशीन को यूज़ कर रहा हूँ जी, और प्रॉब्लम वाली बात है तो जो मिल्किंग मशीन करती है और जितनी सफाई से मिल्किंग दूध निकलता है उतना आप हाथ से निकालने में नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि हाथ से निकालने में दूध के अंदर इनका गोबर भी गिर रहा है, मक्खियाँ भी गिर रही है जी, सारा उसमें रहता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली दूध निकल के मशीन के बकेट में जाता है। ओके, और बकेट से आपके हिसाब से उसको निकाल लीजिए वापस। ओके, तो इसमें सफाई ज़्यादा रहती है। तो यानी पूरा अपना हाइजीन है वो भी पूरा कंट्रोल रहता है जी। जी, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि जो मिल्किंग मशीन है उसको यूज़ करना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल होता है? बहुत आसान है। अच्छा, मुश्किल का तो कोई मामला ही नहीं है जी। जी, ठीक है। तो अभी आपकी जो मिल्किंग मशीन है जी, उसका जो सेटअप है उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा समझाइए कि कैसे हम इसको अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कैसे तरीके से इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में। बहुत इजी है, मशीन आएगी आपके घर पे, होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, उसको लगाना असेंबल करना भी बहुत सरल है जी, कोई दिक्कत नहीं आती है, और 2 या 3 दिन में आपकी गाय ऐसी सेट हो जाएगी कि आपको हाथ से मिल्किंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे आपने ये जो कंपनी की मशीन जब आपने सेलेक्ट करी जी, तो इस कंपनी की क्या सर्विस आपको कैसी लगी इसकी मशीन परचेस करने के बाद जी, में? जी, बहुत फास्ट सर्विस है। मैंने जब मशीन बुक कराई थी तो 7 दिन के लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गई थी। उसके बाद कंपनी से कम 19 मशीन मैंने मंगवा ली है। अच्छा, तो उसमें 4 दिन में ही मेरे को अब डिलीवरी मिल रही है। ओके जी, और मेरे इस गांव में लगभग सारे जो बड़े बड़े पशुपालक है वो सारे इस मिल्किंग मशीन से मिल्किंग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने जब मशीन मंगवाई तो ऑर्डर कैसे किया था, क्या तरीका उसका रहा था? उसमें मैंने ऑनलाइन जो वीडियो देखा था उस माध्यम से मुझे एक नंबर मिला था, तो वहाँ से ऑर्डर के लिए आपको 3,000 रुपये पे करना रहते हैं। अच्छा, वो अपने विश्वास से करना रहते हैं
उसके बाद वापिस जो पेमेंट बचता है 20,000 रुपये वो आपके होम डिलीवरी होने पर ही पेमेंट देना आपको। ओके जी, तो अब जैसे कि हम गाय और भैंस में अगर कोई अगर इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर उसके बारे में? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ आती नहीं है। अच्छा। और रिलैक्स रहता है पशु, उसको अच्छा लगता है। जैसे अब एक मेन चीज़ आती है कि हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो मेन चीज़ आती है मेंटेनेंस की। जी आप बता रहे हैं कि आप पिछले 2 साल से इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इसका कितना मेंटेनेंस रहता है उसके बारे में? इसका मेंटेनेंस रहता है सर, हर 2 महीने में इसमें 200 ग्राम ऑयल पड़ता है। अच्छा। हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है। वो ऑयल डालना आपको चेंज करना पड़ता है, वो खत्म नहीं होता है, उसको खाली चेंज करना रहता है। इसके अलावा इसमें 1 रुपये का भी मेंटेनेंस नहीं है। जी अच्छा, तो यानी कि मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है इसका। हाँ जी। ओके, 60 रुपये 2 महीने का लगभग मेंटेनेंस। अच्छा, लगभग 2 महीने में सिर्फ 60 रुपये का इसमें कॉस्ट आएगी। जी, जी तो अब जैसे मशीन काम कैसे करती है, किसान भाई इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। मशीन जैसे इसका कंप्रेशर लगा हुआ है ऊपर, वो वैक्यूम बनाता है। ओके, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इजीली है। मशीन को जैसे अपनों ने, ये मशीन है, 25 लीटर का टैंक आता है इसमें। अच्छा। और इसको ये रिंग लगा के इसको लगा दीजिए आप मशीन चालू करके। ओके, जैसे इसको लगाया है इसको आप जैसे ही पशु पावस जाता है उसके बाद इसको ऐसे रख कर इसमें ऑटोमेटिक आवाज़ आने लग जाएगी टिक टिक की। ओके, उसके बाद आप मशीन इस तरह से आप हर थन में लगा कर वो ये सेट हो जाएगी। उसके बाद आप मशीन छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी, है ना, निकलेगी, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी मामला है। जी, यानी कि मतलब जिस किसान ने ट्रेनिंग नहीं ली है वो इसको आसानी से मतलब चला सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत? कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। जी, मैं ही चला ही रहा हूँ। जैसे हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जी, अब इस वीडियो को देख के अगर कोई किसान चाहता है कि मुझे इस कंपनी की अपनी जो मशीन है मिल्किंग मशीन लेनी है, तो आप किसानों को इस मशीन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी किसान मशीन की ओर जाना चाहता है या मशीन लेना चाहता है डेयरी फार्म के लिए, तो मिल्किंग मशीन बहुत बेस्ट मशीन है। मैंने इसको यूज़ कर रखा है और मेरे थ्रू कम से कम 18-19 मशीन मैंने दिलाई है, किसी से अभी तक कोई शिकायत का मौका नहीं आया है, ना कि कंपनी से कोई शिकायत का मौका आया है, ना कि मशीन से शिकायत आई है। ओके, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है।